हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में डबल ईओ यानी कि सहायक कृषि अधिकारी के जो 280 पद आए हुए हैं, उनका पेपर दिसंबर में जो प्रस्तावित है दिसंबर में होने वाला है, तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर सेट लगाया है। दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे वो क्वेश्चन आंसर सेट भाग प्रथम है। उसके इसके भाग प्रथम के बाद हम तुरंत तुरंत इसकी वीडियो बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज आप दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक आप भी अपनी तरफ से जो मैंने क्वेश्चन आंसर लगाए हुए हैं उनके आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रथम प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई सारे जब हम बहुत सारे कुछ बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए हम प्रथम क्वेश्चन है हमारा, कीट विज्ञान की वह शास्त्र है जो अध्ययन करता है। कीट विज्ञान क्या अध्ययन करता है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं, इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। जो कीट विज्ञान है दोस्तों, उसके लिए क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान भी आप ज़रूर रखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आंसर सेकंड। तो दोस्तों, सेकंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डेपोग एक विधि है, डेपोग किसकी विधि है? सर्वप्रथम तो हमें ये जानना चाहिए, इसमें जो आंसर है इसमें तो बी आंसर सही है, पौध उगाने की यानी कि नर्सरी की एक इम्पोर्टेंट विधि है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। डेपोग डेपोग क्या एक धान जो हमारी नर्सरी लगाई जाती है धान की, तो उसकी एक धान की एक विधि है ना, कोई अदर गेहूँ वगैरह वगैरह की नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, एक धान की पौध यानी कि नर्सरी उगाने की एक विधि है। दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि एक सीट होती है प्लास्टिक की सीट, उसमें क्या कर देते हैं धान को नर्सरी के लिए, मिट्टी मुट्टी मिट्टी रख के उसके ऊपर पॉलीथीन के ऊपर कर देते हैं, बो देते हैं। तो इसमें धान क्या 10 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा एक ब्रीफली, क्योंकि इसमें एक एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस चीज़ के लिए एक वीडियो अलग से तैयार करूँगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा नंबर तो गलत पड़ा है, लेकिन अब हम बात करते हैं वनस्पति की आयु किससे पता लगाई जा सकती है। तो इसमें जो आंसर टिक मारा हुआ है, वार्षिक घेरा है, यानी कि जो हमारे वार्षिक घेरा यानी कि प्रत्येक घेरा प्रथम इसमें जितने घेरे होंगे उतनी उसकी एज हो जाती है। प्रथम घेरा हमारे 2 वर्ष में आता है, तो उसके बाद जितने जितने घेरे होंगे वो हमेशा कि एज का पता लगा सकते हैं। तो वनस्पति आयु इसको जैसे ट्री हो गया, सर्प सर्पस हो गए, ये सब इसमें आते हैं। अब वनस्पति की आयु तो अलग बात होगी। अब वनस्पति पेड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, मेन एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें। एक याद करिएगा दोस्तों, पेड़ों का अध्ययन हमेशा डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। डेंड्रोलॉजी में आपको एक बार बता देता हूँ, डेंड्रोलॉजी के अध्ययन करते हैं इसमें। पेड़ों का जितने भी हमारे पेड़ पूड़ होते हैं वो सब डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। पेड़ हो गए, सब्स हो गए, ये सब डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गाजर का रंग लाल होने का कारण है। तो इसमें जो आंसर लिखा हुआ है, कैरोटीन, बिल्कुल सही आंसर है, कैरोटीन। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल होता है। अब हम बात करेंगे एंथोसाइनिन। दोस्तों, एंथोसाइनिन जितने भी हमारे फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनके कलर जैसे ब्लू हो गया, रेड हो गया, पर्पल हो गया, इत्यादि जो कलर होते हैं ये सब एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। अब जो इसका जो गाजर का रंग है वो कैरोटीन, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा लाइकोपिन के बारे में भी जानकारी कर देते हैं। लाइकोपिन टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर यानी कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इनको याद करिएगा दोस्तों। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक लिखी गई। जितने भी क्वेश्चन ये विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी, ये डॉक्टर एम एस रंधावा द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर एम एस रंधावा जो इसका सही आंसर है, एम एस रंधावा यानी कि डी आंसर इसका सही है। तो बीपी पाल के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बीबी पाल के बारे में भी हम जानकारी करते हैं। तो बीबी पाल है वो ग्लोब जो रोज फादर ऑफ रोज भी बोला जाता है बीबी पाल को, और फर्स्ट डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आईसीआर के प्रथम निदेशक भी हमारे ये बीपी पाल ही थे। तो ध्यान रखिएगा 1980 में ये बने, एमएस जो इनकी पुस्तक थी ये भारत भारत में कृषि का इतिहास, एमएस रंधावा 1980 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। गाय के दूध में पीला रंग किस कारण होता है? देखिए दोस्तों, जितने ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़िएगा इनको। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है? तो गाय के दूध में पीला रंग, इसने जिसने पेपर दिया होगा उसने बिल्कुल देख सकते हो आप किसने क्या लिखा हुआ है। तो गाय का पीला रंग हमेशा कैरोटीन के कारण होता है। इसका आंसर हमारा कैरोटीन, यानी कि ए आंसर इसका सही है। और जो ये केसिन है, केसिन इस गाय के दूध में प्रोटीन होती है, गाय के दूध में क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन इसमें 82 के लगभग प्रोटीन होती है, उसके बाद जो हमारा सीरम होता है ये सब चीज़ें उसके बाद बचता है। तो अब लैक्टोज, लैक्टोज में गाय के दूध में यानी कि शुगर कितना है, लैक्टोज से पता चलता है। राइबोफ्लेविन आपको विटामिन का पता चलता है, विटामिन कौन कौन से विटामिन है, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन जो हमारा बी है उसका, ठीक है, इसमें विटामिन का पता चलता है। जो इसका आंसर सही है, गाय के दूध में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, केसिन में, केसिन क्या होती है, गाय के दूध में प्रोटीन है, केसिन क्या है, एक प्रोटीन है, लेक्टोज यानी कि शुगर है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की तरफ। निम्न फसलों को उत्तराखंड राज्य में उनके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका क्रम है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ होता है, याद रखेगा। फर्स्ट हमारे इसका जो आंसर, इसका बी आंसर सही है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसका आंसर बिल्कुल बी सही है, ध्यान रखिएगा। सबसे गेहूँ होता है, फिर धान्य फसल होती है, फिर उसके बाद मक्का होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें याद रखिएगा गेहूँ, विगत वर्षों में ये भी आया हुआ कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है, इसमें क्या है, गेहूँ सबसे ज़्यादा है। चलिए दो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये सातवां क्वेश्चन है ये देखिएगा, जमुनापारी किसकी नस्ल है? जमुनापारी किसकी नस्ल है? जमुनापारी बकरी की नस्ल है। अब थोड़ा बकरी की नस्ल है, अब थोड़ा जमुनापारी के बारे में भी हम डिस्क्राइब वो कर देते हैं कि जमुनापारी में क्या क्या फीचर, मतलब क्या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं। तो जमुनापारी कैरेक्टर जो होते हैं, इसके कान बहुत लंबे लटके हुए होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है, ऐसी कौन सी बकरी है जिसके कान लंबे लटके हुए होते हैं? तो इसमें दोस्तों जमुनापारी है जिसका क्या होता है, 10 से 12 इंच यानी कि इंच तक होती है। अब आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े, 10-12 इंच बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े बड़े इसके कान होते हैं। और जितने भी बकरियां हैं हमारी, उनमें से सबसे लंबी और ऊंची बकरी भी जमुनापारी है। जो इंडियन इंडिजिनस बकरी है उनमें से सबसे ऊंची और लंबी जमुनापारी बकरी है। तो दोस्तों ये इनके फीचर थे, जमुनापारी क्या है, बकरी की नस्ल है, ना कि गाय की, टाइगर की और शेर की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो ये पंतनगर में यानी कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ पंतनगर, एक टेक्नोलॉजी पंतनगर में है, हमारे जो रुद्रपुर ज़िला है, ऊधम सिंह नगर ज़िला है, ऊधम सिंह नगर ज़िले में पड़ती है पंतनगर। तो इसके बारे में भी थोड़ा और जानकारी बता दूँ मैं आपको। ये पंतनगर, ये 17 नवंबर 1960 में इसका क्या हुआ था, ये विश्वविद्यालय खोला गया था। और यहीं से हरित इंडिया में, अगर हरित क्रांति की जननी बोला जाए तो पंतनगर ही हमारे इंडिया में हरित क्रांति की जननी ही है। तो इसका आंसर है दोस्तों पंतनगर 1960, बड़े बड़े करके याद कर लीजिएगा, 1960 में ये यूनिवर्सिटी खोली गई है। चलिएगा दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन है, विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, रतौंधी यानी कि ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए जिसकी कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। तो अगर हम इसकी पूर्ति करेंगे तो विटामिन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है, विटामिन ए इज राइट आंसर।
बात करेगा दोस्तों विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अगर हमने विटामिन खोला ही हुआ है तो विटामिन बी जो हमारा है, विटामिन बी, B1, B2, B5 ये सब चीज़ें होती है, लेकिन B1 होता है जो बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी करने। इसमें क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या कमी हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो विटामिन B1 के कारण होता है। विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, और विटामिन ए जो रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल यानी कि रिकेट्स, ऑस्टोमेलेसिस विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है यानी कि स्कर्वी रोग, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट, जॉइंट्स में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण ये क्या होता है, पेन पुन करना शुरू कर देता है। बस इसका जो विटामिन डी रहता होता है ए के कारण, B1 के कारण बेरीबेरी होता है, और सी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कारण कैल्सिफेरॉल, ये सब चीज़ याद, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, और रिकेट्स ऑस्टोमेलेसिस के क्या क्या हमारे इसके सिम्टम है, जो हमारे डिफिशेंसी सिम्टम्स होते हैं। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, ये कीट विज्ञान हमने बताया जो है, कीट विज्ञान क्या बोलते हैं, एंटामोलॉजी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। कृषक दिवस मनाया जाता है, तो कृषक दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर कृषक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दीजिएगा, 23 दिसंबर बिल्कुल इसका आंसर सही है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है 23 दिसंबर कृषक दिवस किसके उसमें मनाया जाता है, तो सीधे चौधरी चरण सिंह आप आंसर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे हम 11 जुलाई की। 11 जुलाई क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 22 अप्रैल और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे, ओजोन डे इस बार 16 अक्टूबर को क्या ओजोन दिवस, तो इस 2019 में जो ओजोन दिवस की थीम थी वो 32 ईयर्स ऑफ हीलिंग, याद लिखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 32 ईयर्स ऑफ हीलिंग, तो याद 16 अक्टूबर का ओजोन डे मनाया जाता है। चलिएगा दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज दोस्तों आज यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेट है यहीं पे समाप्त होता है, प्रथम भाग प्रथम है दोस्तों। अगर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।